प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। आज देखिए अपन बात करते हैं मौर्यकालीन समाज के बारे में। तो मौर्यकालीन समाज के बारे में जब अपन बात करते हैं तो सबसे पहले देखें मौर्यकालीन कुछ सिक्के हैं। मौर्यकालीन सिक्के हैं, इन सिक्कों में देखिए कुजूल, कुजूल कडफिसेज, कुजूल कडफिसेज के तांबे के सिक्के थे। तांबे का सिक्का था जिसमें दरमथिया शब्द है ये लिखा हुआ था। अब है विम कडफिसेज, और विम कडफिसेज है नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए इसने, और सिक्कों पर लिपि यूनानी व खरोस थी। इसने सिक्कों पर शिव नंदी त्रिशूल का अंकन करवाया। कनिष्क के समय सिक्कों के ऊपर बुद्ध प्रतिमा, हेराक्लिज, सूर्य, अग्नि वेदिका में बलि डालते हुए और शिव का अंकन करवाया। नेक्स्ट है वशिष्क। वशिष्क के सिक्कों पर शिव, स्कंद और कार्तिकेय का अंकन है। नेक्स्ट है हुविस्क। हुविस्क है ये चतुर्भुजी शिव की आकृति है। नेक्स्ट है वासुदेव, दित्य शिव व विष्णु की आकृति है इनके सिक्कों के ऊपर। तो ये कुछ सिक्के थे, इन सिक्कों की चर्चा करते हैं। कुजूल कडफिशेस, देखिए कुजूल कडफिशेस है। कुजूल कडफिशेस, इसके समय अपन सिक्के देखेंगे तो कुजूल कडफिशेस के समय सिक्के जो थे ये तांबे के थे। क्या लिखा था? दरमथिया शब्द लिखा था। विम कडफिशेस, नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए इसने, और जो लिपि है सिक्कों के ऊपर यूनानी व खरोष्टी थी। शिव नंदी और त्रिशूल का चिन्ह है यह अंकित था इसके ऊपर। नेक्स्ट है कनिष्क, जो है कनिष्क के बारे में अपन बात करें तो देखिए बुद्ध प्रतिमा थी इनके सिक्कों पर, हेराक्लिस था, सूर्य था, अग्निवेदिका में बलि देते हुए और शिव, और वशिष्ठ के सिक्कों पर शिव, स्कंद कार्तिकेय था, और होविस के सिक्कों पर चतुर्भुज शिव था, और वासुदेव दित्य के सिक्कों पर शिव और विष्णु था। तो देखिए शुद्ध सोने के सिक्के चलाने का श्रेय है ये भी किनको जाता है? कुषाणों को। और कुषाणों में किसको जाता है? विम कडफिसेस को जाता है। ये सिक्कों के बारे में बातें हो गई। सिक्कों के बाद में अपन देखेंगे आपका जो है ये है समाज अपना चल रहा है। समाज में देखिए कुषाण साम्राज्य देवी सिद्धांत पर आधारित था। साम्राज्य किस पर आधारित था? देवीय सिद्धांत पर आधारित था, देवी सिद्धांत पर आधारित था। नेक्स्ट अपन देखेंगे कुषाणों ने ये जो व्यवस्था है कहां से ग्रहण करी थी? चीन से ग्रहण करी थी। अब देखिए कुषाण शासक हैं ये मृत शासकों की मूर्तियां मंदिरों में स्थापित करते थे। मंदिरों में स्थापित करते थे, और ये जो प्रेरणा इनको कहां से मिली है? रोमन से। नेक्स्ट देखिए भारत में सर्वप्रथम
द्वैध शासन की जो प्रणाली की शुरुआत है ये कौन से शासकों ने की? कुषाण शासकों ने। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम सामंतीकरण की शुरुआत है ये किसने करी है? प्रक्रिया की शुरुआत कुषाण शासकों ने। और कुषाण शासक है यह है देवपुत्र व शाहनुशाही की उपाधि ग्रहण करते थे। शाहनुशाही की क्या करते थे? उपाधि ग्रहण करते थे। सर्वप्रथम सर्वप्रथम अश्वघोष की बुद्ध चरित्र या बुद्ध चरित्र में सामंत शब्द का प्रयोग हुआ है। सामंत शब्द का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, शक कुषाण जातियों को शक और कुषाण जातियों को स्मृतिकारों ने व्रात्य क्षत्रिय कहा है। व्रात्य क्षत्रिय कहा, इंपोर्टेंट बात है सभी भी। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा को आश्रय दिया। कनिष्क ने बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा को आश्रय दिया? महायान शाखा को इसने आश्रय दिया। नेक्स्ट है, मनुस्मृति में 60 वर्ण संकर जातियों का उल्लेख है। वर्ण संकर जातियों का उल्लेख है। नेक्स्ट है, मनुस्मृति के अंदर विधवाओं के मुंडन की स्तुति की गई है, संतुति की गई है। दूसरा विवाह करने वाली जो स्त्री होती थी उसे कहते थे पुनर्भू, और इससे जो पुत्र पैदा होता था उन्हें कहते थे पुनर्भव पुनर्भव। और नियोग प्रथा से जो पुत्र पैदा होता था उसे कहते थे क्षेत्रज। और घर में रहने वाली यानी अपने घर में यानी अपने पियहर में रहने वाली लड़की के जो पुत्र होता था उसे कहते थे सहोदर। सहोदर कहते थे अविवाहित, सॉरी अविवाहित, घर में रहने वाली या दासी से उत्पन्न को कहते थे कानिन। और अविवाहित के जो पुत्र होता था उसे कहते थे सहोदर। और एक पुत्र है औरस, जो विधि विधि पूर्वक किए गए विवाह से उत्पन्न होता था उसे कहते थे औरस पुत्र। देखिए, समाज की अपन बात कर रहे हैं, कुषाण कालीन समाज की अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं कुषाण कालीन समाज में होंगी। तो इसमें देखिए, आप अपन पढ़ रहे हैं कुषाण कालीन समाज, और कुषाण कालीन समाज की बात करें तो साम्राज्य है यह है देवीय सिद्धांत के ऊपर आधारित था। कुषाणों ने यह परंपरा कहाँ से ली थी? चीन से ली थी। मर्तक जो शासक होते थे उनकी मूर्ति बनाकर मंदिरों में स्थापित कर देते थे, ये व्यवस्था भी कुषाण शासकों के अंदर थी। और ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है इनको? रोमन से मिलती है। भारत के अंदर द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? मौर्य यानी कुषाणों ने शुरुआत की थी, और सॉरी कुषाणों ने शुरुआत की थी, मौर्य उत्तर काल में शुरुआत हुई। और सामंतीकरण की प्रथा है ये भी किसने शुरुआत की थी? कुषाणों ने शुरुआत की थी। और कुषाण शासक कौन सी उपाधि धारण करते थे? देवपुत्र व सहानुशाही की उपाधि धारण करते थे। सर्वप्रथम अश्वघोष की पुस्तक है बुद्ध चरित्र, इसके अंदर सामंत शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ है। शक कुषाण जातियों
को स्मृतिकारों ने एक शब्द के रूप में प्रयुक्त किया है, व्रात्य क्षत्रिय, इनको व्रात्य क्षत्रिय कहा है स्मृतिकारों ने। कनिष्क ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को क्या किया, ज्यादा समर्थन दिया इसको। मनुस्मृति के अंदर 60 प्रकार की वर्ण संकर जातियों का उल्लेख हुआ है। मनुस्मृति के अंदर विधवाओं के मुंडन की संतुति की गई है। नेक्स्ट है, दूसरा विवाह करने वाली स्त्री को कहते थे पुनर्भू, और इससे उत्पन्न होने वाला जो पुत्र होता था ये कहता उसे कहला वो जो कहलाता था पुनर्भव। नियोग प्रथा से जो पुत्र पैदा होता था वो होता था क्षेत्रज, यानी जिस स्त्री का पति है मृत्यु को प्राप्त हो गया हो या वो बच्चे पैदा करने में असमर्थ हो, तो इस प्रकार से किसी दूसरे पुरुष से और शारीरिक संबंध बनाकर पुत्र जो पैदा होता था उसे कहते थे क्षेत्रिज। अविवाहित से पैदा जो होता था पुत्र उसे कहते थे सहोदर, और घर में रहने वाली स्त्री से पैदा होता था यानी अपने ससुराल में न रह करके अपने पिहर में रहती थी उसे कहते थे कानिन। और जो विधि सम्मत समवर्ण यानी एक वर्ण में विवाह करके यानी जो विधि संभव विधि संवत जो विवाह किया जाता था और समान वर्ण में विवाह किया जाता था उससे जो पुत्र पैदा होता था उसे कहते थे औरस, औरस पुत्र कहते थे उसे। तो ये कुछ समाज के अंदर महत्वपूर्ण बातें, आगे देखिए समाज में और क्या-क्या इम्पोर्टेंट बातें रहेंगी समाज के अंदर। समाज में अपन देखते हैं, अब देखते हैं धर्म। तो धर्म में देखें आप, धर्म धर्म में देखिए महायान धर्म का विकास हुआ। महायान धर्म है संप्रदाय, इसका विकास हुआ। त्रिमूर्ति बहुत विख्यात हुई। नेक्स्ट है गोसुंडी अभिलेख जो चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़ राजस्थान में है। यहां से वासुदेव व संकर्षण यानी बलराम की मूर्ति पूजा का उल्लेख है, यानी राजस्थान में और वैष्णव धर्म का पहला अभिलेख साक्ष्य है मोराकूप। ये तमाम बातें अपन कर चुके हैं विगत क्लास में। मोराकूप लेख है जो सक राजा सोडास के समय का है। इसमें पंच वृष्णि वीरों की प्रतिमा व मंदिर का उल्लेख है। ठीक है साहब, तो धर्म में अपन बात कर रहे हैं धर्म के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे तो देखिए आपका जो है धर्म के बाद में देखिए बेसनगर में कुछ, बेसनगर यानी विदिशा, विदिशा में विदिशा व मोराकूप अभिलेख, ये भागवत धर्म की प्रसिद्धि के उदाहरण है, प्रसिद्धि के कहें साहब यह है उदाहरण है। देखिए ये बात कर रहे थे अपन भागवत या धर्म के बारे में कि धर्म कौन कौन सा था। महायान धर्म का सबसे ज्यादा विकास हुआ, महायान संप्रदाय का। त्रिमूर्ति जो है ये बहुत विख्यात हो गई थी। गोसुंडी अभिलेख चित्तौड़गढ़ में है जिसमें वासुदेव और संकर्षण की पूजा का उल्लेख है। नेक्स्ट है मोराकूप अभिलेख है जो शक राजा सोडास के समय का है। इसमें पंच वीरों की प्रतिमा व मंदिरों का उल्लेख है। बेसनगर विदिशा व मोराकूप जो है ये है भागवत धर्म की प्रसिद्धि के प्रमुख उदाहरण है। अब देखेंगे मूर्ति कला इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। मूर्ति कला समाज में अपन बात कर रहे हैं मूर्ति कला। मूर्ति कला देखिए साहब, मूर्ति कला है इसमें अपन कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे मूर्ति कला के अंदर। मूर्ति स्थापत्य कला है इसमें आप देखिए, एक तो है गंधार शैली, गंधार
शैली और दूसरी है मथुरा शैली। मथुरा शैली इसमें देखिए गंधार शैली है, यह है कहाँ का थी, गंधार, तक्षशिला, पेशावर, ये स्थान था इसका, और इसका स्थान मथुरा था। मुख्यतः कहाँ था, मथुरा के आसपास। यहां पर बुद्ध की मूर्ति बनी, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां बनी। यहां पर बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियां बनी। नेक्स्ट है पत्थर होता काला व सलेटी। यहां पर जो पत्थर होता था ये होता था लाल बलुआ, लाल बलुआ पत्थर होता था। नेक्स्ट है यहां पर महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां बनी। महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां बनी, यहां पर है बुद्ध की प्रथम मूर्ति बनी। बुद्ध की प्रथम मूर्ति है यह मथुरा शैली में बनी। नेक्स्ट अपन देखते हैं अपोलो। अपोलो है ये यूनानी सूर्य देवता है, यूनानी सूर्य देवता के समान बुद्ध की मूर्ति बनी। नेक्स्ट यहां पर देखिए आध्यात्मिक रूप से बुद्ध दिखाया गया है, आध्यात्मिक रूप में बुद्ध को दर्शाया गया। नेक्स्ट देखिए बुद्ध की मूर्ति में प्रभा मंडल इसमें दिखाया गया है, प्रभा मंडल, और इसमें किसी प्रकार का प्रभा मंडल नहीं है, यह है आध्यात्मिक रूप ही दिखाया गया है। नेक्स्ट है यहां पर देखेंगे बुद्ध की मूर्ति में झीना कपड़ा शरीर है, यह है बलिष्ठ और दाढ़ी युक्त तो दिखाया गया है। यहां पर देखिए तो बुद्ध है इसको मोटे कपड़े में दिखाया गया है, मोटा कपड़ा पहने हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भिक्षु रूप है ये, भिक्षु रूप में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखिए इस कला को मिश्रित कला का दूसरा नाम है हेलेनिस्टिक कला, और इसी का ही है, इसे इंडो ग्रीक भी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे और यहां पर क्या कला जो थी यह यूनानी थी, कला यूनानी थी, लेकिन इसका जो विषय था ये भारतीय था। यहां पर देखिए विष्णु सूर्य कुबेर नाग और यक्ष की प्रतिमाएं बनी, यक्ष की प्रतिमाएं बनी। नेक्स्ट देखिए कुषाण कालीन मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रहालय, सबसे बड़ा संग्रहालय जो आपका है यह है मथुरा संग्रहालय में, मथुरा संग्रहालय, मथुरा संग्रहालय। सारनाथ शैली के अंदर बुद्ध को घुंघराले बालों में दिखाया गया है। नेक्स्ट है अमरावती शैली। अमरावती शैली में बुद्ध का प्रथम चित्र बना है,
बुद्ध का प्रथम चित्र है, यह कौन सी शैली का बना हुआ है? अमरावती शैली का बना हुआ है। देखिए इंपोर्टेंट बात है, मूर्ति कला के संदर्भ में अपन बात करते हैं, दो भागों में बांटा इसको, एक तो गंधार शैली और एक मथुरा शैली। गंधार शैली का स्थान था यह गंधार, तक्षशिला और पेशावर में था, मथुरा शैली मथुरा के आसपास का स्थान था। गंधार शैली के अंदर बुद्ध की मूर्तियां बनी, बौद्ध धर्म की मूर्तियां बनी, लेकिन मथुरा शैली के अंदर बौद्ध जैन और हिंदू धर्म की मूर्तियां बनी। गंधार शैली के अंदर काला और सिलेटी पत्थर यूज हुआ और यहाँ पर मथुरा शैली में लाल बलुआ पत्थर प्रयोग हुआ। महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां बनी गंधार शैली के अंदर, लेकिन महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति बनी है ये मथुरा शैली के अंदर बनी है। गंधार शैली के अंदर महात्मा बुद्ध को अपोलो यानी यूनानी सूर्य देवता था इसके समान दिखाया गया है, और मथुरा शैली में भगवान बुद्ध का रूप किसमें दिखाया गया है? आध्यात्मिक रूप में दिखाया गया है। बुद्ध की मूर्ति है, इसके ऊपर प्रभा मंडल है गंधार शैली के अंदर, लेकिन यहाँ पर भिक्षु के रूप में मथुरा शैली में बुद्ध को दिखाया गया है। गंधार शैली के अंदर कपड़ा झीना है यानी बारीक कपड़ा पहन रखा है जिसमें शरीर दिखता है, और शरीर को बलिष्ठ दिखाया गया है, दाढ़ी युक्त दिखाया गया है बुद्ध को गंधार शैली के अंदर, लेकिन मथुरा शैली के अंदर महात्मा बुद्ध है ये मोटा कपड़ा पहने हुए हैं। नेक्स्ट देखिए गंधार शैली को मिश्रित कला, हेलेनिस्टिक कला, इंडो ग्रीक कला भी कहते हैं, और मथुरा कला है इसमें जो है विष्णु सूर्य कुबेर नाग यक्ष आदि की मूर्तियां भी बनी हैं। अब देखिए गंधार शैली है इस ये जो कला तो है यूनानी, लेकिन इसका जो विषय है ये क्या है? भारतीय है, इंपॉर्टेंट बात है। अब मथुरा सॉरी कनिष्क मूर्ति कला का सबसे बड़ा जो संग्रहालय है ये मथुरा के अंदर है। दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारनाथ शैली के अंदर बुद्ध के घुंघराले बालों में इसकी मूर्ति है, और अमरावती शैली में बुद्ध का पहला चित्र बना है। चित्र तो बना है अमरावती शैली में और मूर्ति बनी है मथुरा शैली में, पहली इंपोर्टेंट बात है ध्यान में रखनी है। तो ये थी समाज के अंदर मूर्ति कला जो गंधार और मथुरा शैली के रूप में जानी जाती है। अब देखिए मूर्ति कला के बाद में और क्या इंपोर्टेंट यहाँ पर बातें होती हैं, देखें सर। मूर्ति कला के बाद मूर्ति कला हो गई, मूर्ति कला अपन ने समाज देख लिया, धर्म देख लिया, धर्म के बाद में अपन देखेंगे व्यापार। अब देखेंगे आप व्यापार, व्यापार देखिए भी व्यापार में क्या इंपोर्टेंट बातें होती हैं। व्यापार व्यापार अवदान शतक से कनिष्ठ व्यापार की जानकारी मिलती है, अवदान शतक से व्यापार की क्या मिलती है साहब? जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है रोमन सम्राट, रोमन सम्राट का नाम है अगस्टस, अगस्टस के दरबार के अंदर, अगस्टस के दरबार के अंदर भारतीय सम्राट पोरस ने अपना राजदूत भेजा था, राजदूत भेजा, व्यापार के संदर्भ में प्रमुख जानकारी है। बेग्राम, बेग्राम तथा तक्षशिला, बेग्राम तथा तक्षशिला की खुदाई के अंदर, बेग्राम तथा तक्षशिला की खुदाई के अंदर रोमन मूल की वस्तुएं मिली, रोमन मूल की वस्तुएं प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है कुषाण सिक्के नियमित रूप से, कुषाणों के जो सिक्के थे ये नियमित नियमित रूप में थे, नियमित रूप में शुद्धता की दृष्टि से सिक्कों के अंदर जो शुद्धता थी ये 123 से 124 ग्रेन और 92% इसके अंदर शुद्ध सोना था। आगे देखिए कुषाण काल में नगरीकरण चरम पर था, नगरीकरण चरम पर था, नगरीकरण चरम पर था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखिए मथुरा के सोंख नामक स्थान से,
मथुरा का सोंख नामक स्थान है। मथुरा के सोंख नामक स्थान से खुदाई से पता चलता है कि कुषाणकालीन भवनों के स्तर सात थे। कुषाण काल के भवन जो स्तर हैं, भवनों के स्तर हैं, ये सात थे। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन यवनों जबकि गुप्त कालीन भवनों के एक या दो स्तर थे। नेक्स्ट देखें, हुविस्क मथुरा लेख में हुविस्क का एक मथुरा लेख है और मथुरा लेख में आटा पीसने वाली श्रेणी का उल्लेख किया गया है। आटा पीसने वाली श्रेणी का उल्लेख किया। अब देखें, यहां पर कुछ बंदरगाह थे, वो बंदरगाहों की अपन बात करें। बंदरगाह कौन कौन से थे? पूर्वी तट का बंदरगाह ताम्रलिप्ति था, पश्चिमी तट का बंदरगाह बेरी गाजा जो बड़ोच यानी गुजरात में था, और एक था सोपारा को सुपरिक भी कहते थे जो महाराष्ट्र में था। नेक्स्ट है, दक्षिण के बंदरगाह दक्षिण भारत में था तोंडी, मुशीरी को मुजरिस भी कहते थे, पुहार को कावेरी पत्तन कहते थे, सालियूर और बंदर, ये प्रमुख बंदरगाह थे। देखिए, व्यापार की अपन बात करते हैं, अवदान शतक में कनिष्क कालीन व्यापार की जानकारी मिलती है। रोमन सम्राट अगस्टस था, अगस्टस के दरबार के अंदर भारतीय पौरव शासक ने अपना राजदूत भेजा था। बेग्राम तथा तक्षशिला की खुदाई के अंदर रोमन मूल की वस्तुएं मिली हैं, जिससे अपने को क्या पता चलता है कि भारत और रोम के मध्य क्या था, व्यापार था। सिक्के जो थे कुषाणों के नियमित रूप से थे। शुद्धता की अपन बात करें, 123 से 24 ग्रेन इसमें ये वजन के थे और 92% क्या थे इसमें शुद्ध सोना था। नगरीकरण चरम पर था। मथुरा का सोंख जो जगह है इससे कुषाणकालीन भवनों का स्तर मिला है। स्तर जो कितने स्तर के थे? सात स्तर के थे। जबकि गुप्तकालीन जो भवनों का जो स्तर था ये एक व दो स्तर के थे, यानी कुषाण काल के अंदर उच्च कोटि की भवन निर्माण कला थी। हुविस्क का मथुरा का एक अभिलेख मिला है, इसमें आटा पीसने वाली श्रेणी का उल्लेख किया गया है। अब अपन बात करें बंदरगाह, पूर्वी तट का जो बंदरगाह था ये ताम्रलिप्ति बंगाल में, पश्चिमी तट का बंदरगाह था बोरीगाजा या भड़ोच में बोरीगाजा गुजरात के अंदर, सोपारा है इसे सुपरिक भी कहते थे और ये महाराष्ट्र में था। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के बंदरगाह तोंडी, मुशीरी, पुहार, सालियूर और बंदर, ये जो थे यहाँ पर क्या थे, दक्षिण भारत के अंदर प्रमुख कुषाणकालीन बंदरगाह थे। आगे देखिए भी, ये व्यापार की बात हो गई अपनी, बाकी व्यापार में और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी अपन देख लेते, बंदरगाह हो गया। अब अपन देखते हैं, तो देखिए पेरिप्लस एक ग्रंथ है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी नामक पुस्तक से भारत व
रोम व्यापार की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखिए, रोम से भारी मात्रा में सोने का निर्यात होता था। इस पर पिलनी दुख प्रकट करता है। नेक्स्ट है मसालों में, देखिए मसाला था ये गोल मिर्च का प्रसिद्ध था, जिसे यवन प्रिय भी कहते थे। लोहे की वस्तुएं मसाले में गोल मिर्च और लोहे की वस्तुएं निर्यात की जाती थी किसको, रोम को। और इसके बदले रोम है यह अपने को सोना चांदी देता था। मिस्र को क्या निर्यात करते थे हम, हाथी दांत, सीपियां, मोती, रंग, नील आदि का निर्यात किसको किया जाता था, मिस्र को। यहां का कुषाणकालीन प्रतिष्ठान या पेठन है, यह प्रमुख व्यापारिक नगर था, व्यापारिक नगर था सभी। रोमन लोगों ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत से व्यापार प्रारंभ किया। इसका उदाहरण है अरिकमेडु से रोमन सम्राट ऑगस्टस व टिबेरियन के सिक्के बहुतायत रूप में मिले हैं। नेक्स्ट देखेंगे अपन और क्या इंपॉर्टेंट यहां पर बात होगी। तो देखिए, जातकों के अंदर 18 प्रकार के शिल्प उद्योगों या शिल्प श्रेणियों का उल्लेख है। दीर्घ निकाय में 24 श्रेणियों का, महावस्तु में 36 श्रेणियों का, और मिलिंदो पनहो के अंदर 75 व्यापारिक श्रेणियों का उल्लेख अपने को मिलता है। देखिए, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, अज्ञात लेखक है, इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसमें भारत व रोम के व्यापार के संबंध हैं। रोम से भारत है ये भारी मात्रा में सोना है यह लेता था, यानी रोम से भारी मात्रा में भारत को सोने का निर्यात होता था, और पिलनी इसी के ऊपर दुख प्रकट करता है। यह सोना है रोम किसके ऊपर निर्यात करता था, मसाला के ऊपर। मसाला जो है इसके अंदर गोल मिर्च यानी काली मिर्च, और यह रोमन वासियों की इतनी प्रिय थी कि इस मिर्च का नाम ही क्या पड़ गया, यवन प्रिय पड़ गया। लोहे की वस्तुएं भी रोम को क्या की जाती थी, निर्यात की जाती थी। मिस्र को क्या निर्यात किया जाता था, हाथी दांत, सीपियां, मोती, रंग, नील क्या किया जाता था, निर्यात किया जाता था। प्रतिष्ठान पेठन है ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कुषाणकालीन। रोमन लोग है इन्होंने सर्वप्रथम दक्षिण भारत से व्यापार करना प्रारंभ किया। दक्षिण भारत के अरिकमेडु से रोमन सम्राट ऑगस्टस और टिबेरियन के क्या मिले हैं, सिक्के मिले हैं। जातकों में 18 प्रकार की शिल्प उद्योग या शिल्प श्रेणियों का उल्लेख है। दीर्घ निकाय के अंदर 24, महावस्तु के अंदर 36 और मिलिंद पनहो के अंदर 75 श्रेणियों का क्या मिलता है, आपको उल्लेख मिलता है। आगे देखिए, आगे अपन बात करते हैं। तो देखिए, शिल्पियों की श्रेणियों का प्रमुख
शिल्पियों की श्रेणियों का प्रमुख इसे कहते हैं जेठक। निगम का प्रधान ये था श्रेष्ठी। नेक्स्ट है श्रेणी का प्रधान इसे कहते थे प्रमुख। नेक्स्ट है पुग का प्रधान ये होता था ज्येष्ठक। ज्येष्ठक देखिए जो श्रेणी संगठन होता था व्यापारिक संगठन होता था जो व्यापारिक संगठन था ये आपका श्रेणी निगम पुग और सार्थ में बटा हुआ था। नेक्स्ट है मथुरा से सटका नामक वस्त्र निर्माण का उल्लेख किया गया है और इस सटका नामक वस्त्र का पतंजलि ने भी क्या क्या है उल्लेख किया है। नेक्स्ट है स्ट्रेबो यूनानी इतिहासकार बताता है किसी शिल्पी की आंख व हाथ को क्षति पहुंचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। नेक्स्ट है अर्गुरु ये है उर्रेर से प्राप्त मलमल का कपड़ा सूती वस्त्र उद्योग है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। नेक्स्ट है उरेयुर व अरिकमेडु जो है सूती वस्त्रों के प्रमुख केंद्र थे। सूती वस्त्रों के प्रमुख केंद्र थे उरेयुर। और नेक्स्ट है गोवर्धन नासिक केंद्र था। यह है शिल्पियों का महत्वपूर्ण केंद्र था। शिल्पियों का महत्वपूर्ण केंद्र जो था ये कौन सा था गोवर्धन। देखिए शिल्पियों की श्रेणियों का जो प्रमुख होता था उसे जेठक कहते थे। निगम का प्रधान होता था श्रेष्ठी होता था। श्रेणी का प्रधान होता था प्रमुख कहलाता था। पुग का प्रधान होता था ज्येष्ठक होता था। व्यापारिक संगठन की बात करें तो व्यापारिक संगठन श्रेणी निगम पुग सार्थ में बटे हुए थे। मथुरा के अंदर मथुरा में सटका नामक एक वस्त्र का प्रयोग हुआ है जो सूती वस्त्र था। इसका निर्माण होता था। इसका पतंजलि ने भी इसका क्या किया है उल्लेख किया है। स्ट्रेबो कहते हैं कि शिल्पी की आंख और हाथ को क्षति पहुंचाने वालों को क्या दे दिया जाता था मृत्युदंड। अर्गुरु की बात करें तो उरेयुर है इससे प्राप्त मलमल जो है यह अर्गुरु में प्रसिद्ध था। सूती वस्त्र जो थे ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग थे इस समय। उरेयुर व अरिकमेडु किसके केंद्र थे सूती वस्त्रों के प्रमुख केंद्र थे। गोवर्धन नासिक है ये शिल्पियों का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखें और इंपोर्टेंट इसमें बातें बचती हैं। सर्वाधिक प्रचलित जो सिक्का था इस समय सिक्के का नाम है कारसापण।
नेक्स्ट है श्रेणियों के पास रखी धरोहर को अक्षय नीवी कहते थे, अक्षय नीवी कहते थे। नेक्स्ट है जातियों से अलग अलग ब्याज लिए जाने का प्रावधान था, मनु व गौतम स्मृतियों के अनुसार ब्राह्मण है इससे 2% ब्याज लिया जाता था, क्षत्रिय से 3% ब्याज लिया जाता था, वैश्य से 4% ब्याज लिया जाता था और शूद्र से 5% ब्याज है यह लिया जाता था। ये बात थी मौर्यकालीन समाज व्यापार के बारे में। देखिए सर्वाधिक सिक्का प्रचलन में कौन सा था? कारसापण। श्रेणियों के पास रखी हुई धरोहर को क्या कहते थे? अक्षनीवी। जातियों से अलग अलग ब्याज लिया जाता था, गौतम और मनु स्मृतियों के अनुसार ब्राह्मणों से 2%, क्षत्रियों से 3%, वैश्यों से 4% और शूद्र से कितने प्रतिशत? 5% ब्याज लिए जाने का प्रावधान था। ये बातें अपन कर रहे थे शक और कुषाणों के संदर्भ में अपने प्रमुख बात करी। इसके जो समाज के अंदर प्रमुख बातें थी उनकी अपन ने बात करी। इसके बाद में मौर्योत्तर काल में अपन जो बात करेंगे वो देखेंगे, शुंग और सातवाहनों की बात करेंगे अगली आने वाली क्लास के अंदर। धन्यवाद मित्रों।